सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना मसी अस्पताल चांपा एवं जय हिंद दिव्यांग समूह जांजगीर द्वारा मनाया गया दिव्यांग दिवस। कल गांधी भवन जांजगीर में दिव्यांग दिवस मनाई गई। कचहरी चौक जांजगीर में नेताजी चौक तक जागरूकता रैली निकाला गया और दिव्यांग लोगों को कई योजनाओं के बारे में बताई गई। साथ ही खेल के माध्यम से भी जागरूकता का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भगवान दास गढ़ेवाल, अध्यक्ष नगर पालिका जांजगीर नैला, टीपी भार उप संचालन समाज कल्याण विभाग जांजगीर, राधा कृष्ण गोपाल प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग संगठन छत्तीसगढ़, रामविलास राठौर सभापति नगर पालिका नैला, अजीत सिंह जिला महामंत्री कांग्रेस, शारदा प्रसाद लदेर अध्यक्ष नई रोशनी अम्बेडकर मिशन नागरिक सामाजिक संगठन नैला, दिव्यांग समूह अध्यक्ष बजरंग यादव, सुभाष फर एवं दिव्यांग समूह जांजगीर, मार्गदर्शक कुमारी सुषमा परमहंस, प्रदीप राठौर, रोहित स्वामी प्रोजेक्ट ऑफिसर मिशन हॉस्पिटल चांपा महिला समूह से परमेश्वरी सूर्यवंशी, ममता कश्यप, कला देवी मीना सविता, नर्मदा देवी सोनिया, संतोष रामायण कुमारी, समलावानो अंजू राजेश चरण, प्रकाश संतोष लदेर और भारी संख्या में दिव्यांग लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। समाज कल्याण विभाग से सम्माननीय भावेश जी, हमारे बड़े भैया सम्माननीय गोपाल जी, राजेश तिवारी जी, शारदा प्रसाद जी सर जी मैडम और उपस्थित सब साथियों बहनों भाइयों और जवान भैया हैं। एक किसी भी दिवस को मनाना एक औपचारिकता नहीं होता, उस दिवस को मनाने के लिए उसमें बहुत लोगों की मंशा रहती है, बहुत लोगों के उस दिवस को मनाने के लिए मेहनत होता है। आज के इस दिवस को मनाने के लिए हमारे सर लोगों ने बहुत मेहनत किए हैं, उनको क्या जरूरत है कि वो आज विश्व दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, लेकिन उन्होंने आप सब के लिए, आप सबको सजग करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए और ये दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमको हमारे जो साथी हैं जो हाथ पैर से कमज़ोर है, आँख से कमज़ोर, उनका सहयोग करना ही हमारा मानवता धर्म है। यदि हम लोग मानवता धर्म को जब जब निभाएंगे तब तक हमारे बीच में एक आपसी प्रेम सामंजस्य और एक सम्मान बढ़ेगा।